नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात अंबाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहां राहुल गांधी ने कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बड़ा दावा किया कि कोविड में सरकार की लापरवाही से 40 लाख भारतीयों ने जान गंवाई। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी देश की बदनामी करने में तुले हुए हैं। तो वहीं इन लोग नेता अभय चौटाला के बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पूर्व विधायक को पेंशन नहीं लेनी चाहिए, इस पर अनिल विज ने कहा कि उन्होंने जिन्होंने भी राजनीति में पैसा कमाया है उन्हें ये नहीं लेने चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी पेंशन ली है तो उसे वापस करना चाहिए। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों पर अनिल विज ने कहा कि उनकी टीम ACS राजीव अरोड़ा के नेतृत्व में जांच कर रही है। वहीं सैलजा के CM सिटी करनाल को भ्रष्टाचार का ट्रेनिंग सेंटर बताते हुए विज ने कहा कि यह विपक्ष का काम है सिर्फ बोलने का। तो वहीं गृह मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर भड़कते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सकुशलता के साथ COVID-19 महामारी पर निगाह रखी है, सभी का समय से इलाज करवाया है और सभी को वैक्सीनेशन भी करवाई गई है। देश की बदनामी करने पर तुले हुए हैं, कोविड में जिस कुशलता के साथ नरेंद्र मोदी जी ने सारे काम को पर नजर रखी है, सारों की वैक्सीनेशन करवाई है, सारों का इलाज करवाया है, उतना और किसी देश में आवश्यक नहीं हुआ। ब्रिटेन में बात अब अंबाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने कई दुकानों को हटाया, जिसके बाद दुकानदार और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। बता दें कि अंबाला कैंट के नगर परिषद और पुलिस ने अतिक्रमण अभियान चलाया, जहां छावनी के बाजारों में एक लिमिट के बाहर सामान रखने वाले दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। कई जगह पुलिस और दुकानदारों के बीच बहस भी शुरू हो गई। परिषद और पुलिस ने कई अतिक्रमणकारी दुकानदारों को दोबारा ऐसा ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इससे पहले एक बार फिर नगर परिषद और कैंट सदर थाना पुलिस ने इंस्पेक्टर नरेश कुमार की अगुवाई में बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, जिसके कैंट की सब्जी मंडी से लेकर सदर बाजार तक 2 घंटे तक इस अभियान को चलाया गया। अपने मनमाये रवैये से मजबूर दुकानदारों का सामान जब्त किया गया, जो कि कुछ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों ने व्यापारी भाइयों ने हवाई हाथ का अपना जो सामान है वो बाजार के बीच में रखा हुआ है। काफ़ी हद तक इससे ही आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है और कई बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनको कई बार कहा भी गया है, लेकिन कुछ समझदार लोग तो मानते हैं, लेकिन कुछ आदमी बार बार कहने के बावजूद भी नहीं मानते। तो आज इसलिए अपने अभियान चलाए, तो आगे भी इस प्रकार के अभियान चले। बिल्कुल जी, पहले भी चलता रहा और आगे भी ये चलता। ब्रिटेन में बात अंबाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि बिजली विभाग ने यहाँ शिकायतों को लेकर एक अभियान चलाया, जिसके तहत सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस कार्य में शिकायतें आईं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अंबाला में बिजली सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के बिजली से संबंधित अपनी शिकायतें लेकर पहुँचे। लोगों की शिकायतें बिजली मीटर और आपूर्ति से संबंधित देखने को मिली। शिकायत के चेयरपर्सन ने बताया कि उपभोक्ताओं के शिकायत का जल्द ही निवारण करने के लिए अधिकारियों को फिक्स टाइमलाइन के साथ निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे ज्यादातर लोग फोरम की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। तो वहीं कई लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के महीने चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का अब तक कोई हल नहीं निकाला गया है। तो कुछ नहीं, लाइन उन्होंने ये बोला कि पहले मीटर इन्होंने चेक करा था, लैब में भेजा था यमुनानगर में, तो वहाँ डाटा जो इन्होंने निकाला बोलते कि यहाँ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो बोल रहे यहाँ धौलपुर कहीं पे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे उसको। तो महीने में हम हर जिले में SC का ऑफिस है हमारे, वहाँ पे ये अदालत लगाते हैं। आज अंबाला की है बाकायदा, इसके लिए जो है जो 60% SC है वो पब्लिसिटी देते हैं पेपर्स में, आपने देखा भी होगा, ताकि लोगों को पता लग जाए और जो हमारी सेवा का फ़ायदा उठाएँ। किस
शिकायतों का निवारण किया जाए? शिकायतों का तो ये है कि ऑन द स्पॉट जितनी आती है काफ़ी, तो ये है कि छोटी छोटी कंप्लेंट होती है, किसी का बिल गलत है, किसी का कोई है। तो लश्कर ए तैयबा की तरफ से बीजेपी विधायक को धमकी भरा लेटर मिला है, जिसके बाद बीजेपी विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि लश्कर ए तैयबा की ओर से बीजेपी विधायक असीम गोयल को धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें लिखा है कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक और अब्दुल अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे के आदेश पर बीजेपी विधायक उनके रडार पर हैं। वहीं इस मामले में अंबाला पुलिस का कहना है कि बीजेपी विधायक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेटर में लिखे एड्रेस और नामों को ट्रेस किया जा रहा है। तो वहीं भारत के अमन शांति को भंग करने की कोशिश किसी संगठनों द्वारा की जा रही है। बताया गया है कि यह लेटर बीजेपी विधायक को साधारण डाक से 16 अप्रैल को मिला। लेटर में मोहम्मद अली मुखियान के साइन भी थे, जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी विधायक को जमाते उलविदा के एक दिन पहले यानी कि 27 अप्रैल को बम से उड़ा दिया जाएगा। लेटर के अनुसार यह धमकी यासीन मलिक और अब्दुल अहमद ने दी है। तो वहीं इस मामले में अंबाला के डीएसपी रमेश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले विधायक असीम गोयल को डाक के माध्यम से धमकी भरा लेटर मिला। इस लेटर में कुछ नाम और एड्रेस लिखे हैं, जिनको ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि विधायक की सुरक्षा पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। विधायक जी को 3-4 दिन पहले कोई धमकी भरा पत्र आया है, जिसमें विधायक जी को धमकी दी है कि जान से मारने की। उस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली गई है और उसकी जांच जारी है। सर, क्या कुछ लिखा गया है पत्र में, किस तरह के धमाकों की बात कही गई है? इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जैसे इसमें कोई ऐसा आता है तो हम उसकी जाँच हर तरीके से करेंगे। बुलेटिन में बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ जल विभाग में बड़ा ही करप्शन का मामला सामने आया। बता दें कि बलरामपुर में जल संस्थान विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। बता दें कि 4 करोड़ की राशि खर्च होने के बाद भी किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाया है। साथ ही 5 साल से अधूरे पड़े जलाशय और नहर के लिए किसानों की अधिग्रहित जमीन पर मुआवजा भी अब तक किसानों को नहीं दिया गया है। बता दें कि ये मामला उजागर होने के बाद गाँव के किसानों को विभाग के अधिकारी अब काम पूरा ना करने की बात कह रहे हैं। और मैं अभी चार्ज लिया 17 मार्च को, कल मैं गया भी था धर्मी, उसमें जो है बांध बन गया है। नहर है, 2 नहर है, LBC RBC, 1-1 किलोमीटर की। एक नहर में आपका 3 स्ट्रक्चर बनना शेष है और एक नहर में जो है कुछ पाइप लगाना शेष है। स्लूस 2 गेट है, उसको लगाना है, एंडम वाले को आज बोल दिया हूँ। ब्रिटेन में बात अब नारायणपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नक्सलियों का रोज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद उनके द्वारा सड़क को बीच में ही रोक दिया गया। नारायणपुर में नक्सलियों ने एक बार फिर नारायणपुर ओरछा मार्ग पर सड़क खोदकर रास्ते को बंद कर दिया। बता दें कि नक्सली बैनर लगाकर बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध दर्ज कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने में नक्सलियों ने 4 बार सड़क खोदकर रास्ते बंद किए हैं। बता दें कि नक्सली इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर इलाके में दहशत का माहौल बना रहे हैं। तो वहीं अपना विरोध जता रहे हैं। लेटर में बात अब बेमित्रा की कर लेते हैं, जहां जिला पंचायत में बवाल जारी है। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ये बवाल हुआ। बेमित्रा में जिला पंचायत में बवाल जारी है। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के लिए सदस्यों के आवेदन के बाद सिग्नेचर का कलेक्ट्रेट के सामने मिलान किया गया, जो कि सही पाया गया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट में नॉमिनेशन जारी कर दिया गया और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में बेमित्रा के SDM दुर्गेश वर्मा को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद 26 तारीख को जिला पंचायत सभागृह में अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होगी। बता दें कि सुबह 12 बजे से 2 बजे तक अध्यक्ष और दोपहर 2 से 4 बजे तक उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं बेमित्रा जिले में 24 सदस्यों में से 20 सदस्य कांग्रेस समर्पित होने के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। हमारे बेमित्रा जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं नमन है, जेकर आज वेरिफिकेशन के डेट कलेक्टर महोदय के द्वारा देरी से, तो आके 20 सदस्य हस्ताक्षरित मतलब पेश किए थे उस समय, लेकिन एक नहीं आए हैं। 19
सदस्य आकर वेरिफिकेशन में भाग लिए हैं। जनपद पंचायत बेमेतरा इनके सदस्य आए थे, उन्होंने मुझे आवेदन दिया था, उसके परिप्रेक्ष्य में आज हमने उनको बुला के पेशी करवा के सभी का साइन आइडेंटिफिकेशन करवा लिया है, वो सब सही है। बेमेतरा में ग्रामीण किसान स्पंज फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि उनका कहना है कि स्पंज फैक्ट्री से किसानों का नुकसान होगा। बेमेतरा जिले में लगने वाली स्पंज फैक्ट्री के विरोध में एक बार फिर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि आमजनों की सुनवाई के लिए प्रशासन समय समय पर विभिन्न गाँव में जन सुनवाई करता है, जिसमें जन सुनवाई में भारी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर विरोध जताया कि क्षेत्र के किसान नेता मुखिर हैं। तो वहीं जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण नेता का कहना है कि यह सीधा साधा किसानों का अहित है, हमारा बेमेतरा जिला कृषि प्रधान का जिला है, अगर सरकार को चाहिए तो कृषि से संबंधित ही फैक्ट्री लगाएं, किसानों के हितों और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही फैक्ट्री लगाई जा सकती है। बेमेतरा के जनता विरोध कर रही है, जितने भी जन सुनवाई हो रही है उसका जोर विरोध किया जा रहा है। इस समय जानबूझकर इतने गर्मी में इतने दूर जन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, शादी का सीजन है, गांव का गांव में लोग खाली हैं, सब लोग कहीं शादी मनाने गए हैं, किसी का शादी हो रहा है, कोई बारात गया, कोई बारात लेके गया, कहीं बारात आए, ये स्थिति है, ऐसे समय लोग जन सुनवाई। तो मुंगेली में फ्री में स्वास्थ्य सेवा मेले का शुभारंभ किया गया, जहाँ सभी ग्रामीणों को फ्री में चेकअप किया गया। बता दें कि मुंगेली में 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ लोमरी 50 बिलासपुर लोकसभा सांसद अरुण साव ने किया। तो वहीं साथ ही उन्होंने अस्पताल का अचानक निरीक्षण करते हुए आंख से पीड़ित मरीजों को चश्मे बांटे। वहीं उपस्थित मरीजों ने मुलाकात करते हुए उनका हालचाल जाना और साथ में पूर्व विधायक तोखन साहू के साथ काफी संख्या में बीजेपी नेता भी वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मेले के संबंध में सांसद ने कहा कि यहाँ केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि आज़ादी के रूप में अमृत महोत्सव स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। यहाँ हर किस्म के मरीजों का अलग अलग डॉक्टर के पास समस्याओं को बताकर उनका फ्री में दवाई के साथ साथ इलाज किया जाएगा। की बात आई है, निश्चित रूप से इस पर क्या हो सकता है उसकी चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन ये लोरमी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छी सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रही है। लगभग 450 से ज़्यादा लोगों का पंजीयन हो चुका है, जो कि उनकी समस्या के आधार पर विभिन्न विभागों में भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो जिले से आए हुए विशेषज्ञ चिकित्सक, इसमें नेत्र रोग चिकित्सक, हड्डी रोग चिकित्सक हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और सर्जरी विशेषज्ञ हैं, ये सब जो मरीज हैं उनको लाभ। बुलेटिन के आखिरी में बात कवर्धा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ विधायक ने छात्राओं को फ्री में साइकिल बांटी है। कवर्धा के गांव धनिया खुर्द गवर्नमेंट हाई स्कूल और नवघटा सरस्वती विद्यालय में साइकिल योजना के तहत पंडरिया विधायक ममता चंद्रकर ने बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरण कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। बता दें कि इस मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत नवघटा स्कूल प्रांगण में साइकिल वितरण कार्यक्रम। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबीसी न्यूज़।